all the seven boys do not miss you, don't miss me, come on. Now we make a reason for the milne ke nahi. Bhai, kaisa hai? Tu to bada aadmi ho gaya. भैया इधर होइए भैया. लोटा में से डाल दो पानी साफ करो. ठंडी वाली पानी दो. तो रोता नहीं है. डालनी नहीं है. कहाँ से लाई पानी? करम के बर्तन है.
हमारे घर के बाहर दूसरे साइड में भी लोग पूजा स्टार्ट कर चुके हैं और थोड़ी सी दूर पे आपको और दिखाता हूँ, वहाँ पे लोग अर्घ देते हुए
हमारे घर से बहुत थोड़ी सी दूरी पे है, तो इसलिए जितना साफ आ रहा है उतना मैं आपको दिखाता हूँ। कार्तिक वदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ चंद्रमा को अर्ध देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छीक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने अपने पति को मरा पड़ा देखा। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्होंने देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय के अर्ध दे दिए तोड़ दिया था, यह सब उसी का फल है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत श्रद्धा से और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभावों से उनके पति पुनः सुदृढ़ जीवित हो उठा। जय Yeah.
दोस्तों यहाँ पे करवा बदलते हुए बाद
ऐसे नक टेढ़ी कर लीजिए ना। पाँच हो गया, एक और कर दो, फिर छह हो गया सात। अब बाल निकाली, बस ऐसे चिपका ही रहा। ये क्या करे, ग्लास वाला जल वाली फिर इसको यही रख दे। क्या करे, चंद्रमा को तो रहा नहीं कुछ। हाँ वो बदले करके उतार किए भैया देख लो चार नाम है कि नहीं है। अरे बहुत बड़े बड़ी अटमा थी।